उस वक्त हर कोई यह चमत्कारिक नज़ारा देख हैरान रह गया, जब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ना जाने कहां से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सारा मंदिर प्रांगण किसी स्वर्ग की भांति सुगंधित हो उठा। लोगों को लगा कि कहीं हेलीकॉप्टर से तो फूल नहीं बरसाए जा रहे, पर नहीं, मंदिर के आसपास किसी भी प्रकार की गतिविधि पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ था। अभी यह सब घट ही रहा था कि अचानक पीछे से कुछ आवाज आई और वो नज़ारा देखने को मिला। जानकर आप भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब लग रहा है कि श्री राम जी के आगमन का उत्सव धरती लोक पर ही नहीं बल्कि परलोक में भी मनाया जा रहा है। कहीं सूर्य देव अपनी दिशा भूल गए हैं तो कहीं स्वयं राम भक्त हनुमान जी अयोध्या में दिखाई दिए। लेकिन जब राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी तब आसमान से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्रधनुष अपनी जगह पर बना रहा, हर कोई हैरान था। कुछ लोग कह रहे हैं कि देवलोक से देवता भी प्रभु श्री राम की आराधना कर रहे थे। वैसे आपको क्या लगता है, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।